आज हमारा टॉपिक है बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। बाइनोमियल नेम से ही मैं कि ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, बायो प्लस नॉमियल। बायो का मीनिंग है टू, नॉमियल मीन्स टर्म्स। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सप्रेशंस कनेक्टेड बाय ए प्लस और माइनस साइन। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई फुल पार 0, x प्लस वाई पार 1, x प्लस वाई पार 2 अप टू सो ऑन। इस एक्सप्रेशन में जितनी पार होगी उस वो जब आप खोलोगे तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, हमेशा एक ज़्यादा होगी। लाइक अगर x प्लस वाई की पार 2 है तो इसके जब आप फॉर्मूला ओपन करोगे इसमें क्या होंगी, आपकी 3 टर्म्स डिफाइन होंगी। देखिए अगर x प्लस वाई की पावर 0 है तो इसका मतलब एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो इसमें क्या होगी, आपकी एक टर्म होगी। अगर पावर 1 है तो x प्लस वाई हो गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ऐसे ही अगर पावर 3 है तो इसमें क्या होंगी, 4 टर्म्स होंगी। जो हम पॉलिनोमियल्स जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को खोल के फॉर्मूलाज बनाते हैं उसके बेस। अब इन सारी टर्म्स को जब हम देखते हैं तो इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि फर्स्ट टर्म में 1 है तो इसमें क्या हो गया, वेरिएबल पार दोनों की क्या हो गई 0। सेकेंड टर्म में 2 वेरिएबल्स हैं x प्लस वाई, इसमें क्या होगा, एक वेरिएबल है तो सेकेंड वेरिएबल की पार क्या होगी 0। लाइक x y पार 0 प्लस y x पार 0। नेक्स्ट में x स्क्वायर है आपका और 2xy प्लस y स्क्वायर है, इसमें फर्स्ट टर्म में क्या है आपका x स्क्वायर तो y की पावर क्या है 0। नेक्स्ट टर्म में आप देखोगे तो x की पावर 1, y की पावर भी क्या हो गई 1, और लास्ट टर्म में y की पावर 2 है तो x की पावर क्या होगी 0। सो इट कंटेन्स 3 टर्म्स। यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिल रहा है कि फर्स्ट टर्म दोनों तरफ कॉफिशेंट 1-1 दे रही है। नेक्स्ट टर्म में देखते हैं तो वेरिएबल्स के कॉफिशेंट 1-1 है, बीच में उनका क्या आ रहा है, सम आ रहा है। नेक्स्ट टर्म में भी लास्ट में 1-1 है और बीच में 1 और 2 क्या हो गया 3, 2 और 1 क्या हो गया 3, 1 ऐसे थे। इस तरह से अप टू सो ऑन ये हमारे मेथड चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में है। नेक्स्ट टर्म में भी हम 1 प्लस 3 इज 4, 3 प्लस 3 इज 6, 3 प्लस 1 इज 4, लास्ट में 1-1। इस पैटर्न को देखें तो लास्ट में सब तरफ कॉफिशेंट्स क्या हैं आपके 1-1। ये एक ट्राइंगुलर पैटर्न बनता है। इस की इन्वेंशन हमारे इंडियन मैथमेटिशियन हैं टीगल, उन्होंने 200 BC में इसकी इन्वेंशन की है। इसके बाद हमारे एक चाइनीज मैथमेटिशियन हुए चो चाई, 1303 में इन्होंने इसका नेम रखा ट्राइंगुलर स्टैटिक्स। उसके बाद जर्मन मैथमेटिशियंस आए माइकल स्टीफन, उन्होंने 1544 में इसकी इन्वेंशन की। इन दोनों ने ही नंबर ऑफ टर्म्स को 0 से लेके 7 तक की स्टडी की, बट जो जर्मन मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसमें थोड़ी सी चेंजेस लाने की कोशिश की, बट फिर भी उन्होंने 0 टू 7 तक ही इसको लिमिटेड में रखा और ये बताया कि ये ट्राइंगल फॉर्म में है और मिडल में इसके क्या आ रहे हैं, सम आ रहे हैं। आफ्टर दैट बेनोमली और ऑर्केस्ट्रेट ने इसको 0 टू 10 तक एक्सटेंड कर दिया। आफ्टर दैट हमारे फ्रेंच मैथमेटिशियन जो ब्लेज पास्कल हैं, जिनके नाम से इस पैटर्न का नेम रखा गया पास्कल ट्राइंगल लॉ, उन्होंने ये हमारा जो पैटर्न था जो हमने अभी अभी कॉफिशेंट्स के बेस पे लिखा, दोनों तरफ आपके कॉफिशेंट एक्स और वाई का 1-1 है, 1-1 फिर सेंटर में क्या है 2, 1-1 मिडल में क्या है 3-3, उसी पैटर्न को ही फॉलो करते हुए इसके कॉफिशेंट्स को फाइंड करने का एक पैटर्न बनाया। 1-1-1, 1+1 2, 1-1, 1+2 इज 3, 2+1 इज अगेन 3, 1 एज इट इज, 1+3 इज 4, 3+3 इज 6, 3+1 इज 4, देन 1, 1+4 इज 5, 4+6 इज 10, 6+4 इज 10, 4+1 इज 1-1। इस तरह से अब फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी सिंगल टर्म, इसका मतलब पार किया 0। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में पार क्या हो गई आपकी 1,
नेक्स्ट में पार क्या हो गई, टू, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारी, थ्री है। इस तरह से ये पैटर्न सेवन तक बना सकते हैं। अब इस पैटर्न का यूज हमने कहाँ पे करना है, जब बाइनोमियल थ्योरम के कॉफिशेंट्स हम एक्सपैंड करेंगे, ये जो हम कॉम्बिनेशन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं उनमें इनका यूज होगा। एन से जीरो, इसका मतलब एन जीरो है, जीरो से जीरो इज वन, नेक्स्ट एन वन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और उसमें से चूजन टर्म क्या है, जीरो। का मतलब हमने इस पैटर्न के लिए कॉम्बिनेशन का यूज करना है और फैक्टोरियल नोटेशंस की स्टडी करनी है इस चैप्टर के लिए। फर्स्टली प्रीवियस जो हमारी नॉलेज है उसको थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या है, फैक्टोरियल एक्चुअल में होता क्या है, फैक्टोरियल हमें क्या बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ द होल नंबर्स अप टू वन, इसके लिए सिंबल हम साइन ऑफ एक्युमुलेशन या इस तरह से ये सिंबल हम यूज करते हैं। दैट मीन्स फोर फैक्टोरियल में क्या होगा, अप टू सो वन वन तक प्रोडक्ट, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, इट इज इक्वल टू 24, फाइव फैक्टोरियल, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, 120। इसका मतलब हर एक नेक्स्ट टर्म वन वन लेस होती जा रही है हमारी। सो वी डिफाइन एन फैक्टोरियल एज एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू सो वन वन। एन फैक्टोरियल को हमारे फ्रेंच मैथमेटिशियन क्रिश्चियन क्रैम्प ने 1808 में इसकी इन्वेंशन की है। आफ्टर दैट हाउ वी स्टडी द कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। कॉम्बिनेशन क्या है, ये एक सिलेक्शन का वे है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से हमें कितनी टर्म्स चूज करनी है ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यही पैटर्न हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है। सो फॉर्मूला क्या है हमारे कॉम्बिनेशन का, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था, एन सी आर। आर क्या है हमारी चोजन टर्म्स, लाइक 10 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, उनमें से हमें क्या करने हैं, 5 चूज करने हैं। नाउ वी यूज कॉम्बिनेशन एन सी आर। इसके लिए हमारा फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसका ये आपको नोट ध्यान में है, एन सी जीरो और एन सी एन की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब ये आपके इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट नोट्स। अगर पार n है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, n प्लस वन होंगी, पावर ऑफ ईच टर्म इज इक्वल्स टू पावर ऑफ द एक्सपेंशन। जितनी वेरिएबल की पार है उतनी ही पार क्या होती है, हमारी एक्सपेंशन की होती है। लाइक x प्लस n y इज द पार n, n से जीरो, x फर्स्ट वेरिएबल की पावर क्या है n, और सेकेंड वेरिएबल क्या होगा, जीरो। इसी तरह से एक वेरिएबल डिक्रीज होता जाएगा और नेक्स्ट वेरिएबल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और लास्ट में हमारा पैटर्न जब चूजन टर्म्स और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, देन दैट टर्म विल बी कम्प्लीट, दैट एक्सपेंशन विल बी कम्प्लीट। नाउ इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू अप्लाई दैट एप्लीकेशन। एक्स के प्लस थ्री होल पावर फाइव, दैट एक्स प्लस वाई पावर एन। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, इस पावर आपकी एन है और यहाँ पे पावर क्या है फाइव, तो एन क्या हो गया, फाइव के इक्वल हो गया, और एक्स वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और वाई क्या है आपका, थ्री के इक्वल है। तो इस एक्सपेंशन में आपने एक्स की प्लेस पे एक्स स्क्वायर पुट कर देना है और वाई की प्लेस पे क्या करना है, थ्री सब्स्टिट्यूट करना है। लाइक एन की जगह पे 5 लिखा, 5 से 0, और एक्स की प्लेस पे एक्स स्क्वायर होल पावर 5, 3 रेज द पावर 0। नेक्स्ट एन 5, 5 से 1, एक्स स्क्वायर होल पावर 4, 3 रेज द पावर 1। नेक्स्ट 5 से 2 अप टू 7। अब इन टर्म्स को हमने पास्कल आइडेंटिटी से यूज करके इसके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। हमने जो पास्कल ट्रायंगल निकाला था उसमें देखें, n अगर 5 है, n अगर हमारा 5 था, तो इसमें कॉफिशेंट्स आपके क्या आ रहे हैं, 1, 5, 10, 10, 5, 1। सो यहाँ पे 5 से 0 की जगह पे 1 आ गया, 5 से 1 की जगह पे आपका आ गया
फाइव इंटू थ्री क्या हो गया, 15। 5 से 2 की प्लेस पे 10 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 3 इंटू 2 क्या हो गया 6। इस तरह से हमने सारी टर्म्स को ओपन कर दिया। आफ्टर दैट 10 इंटू 9 90, 10 इंटू 27 227, 81 इंटू 5 एंड 1 टू 43। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल एक्सपेंशन, हाउ टू एक्सपेंड बायनोमियल एक्सपेंशन।